हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग में इतनी अच्छी जगह पे सर वीडियो अपना शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से श्री अलकनंदा और श्री मंदाकिनी का संगम हो रहा है। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ व्यू दिखाते हैं गाइस। ये चेक दिस आउट, यहाँ से अलकनंदा और वहाँ से मंदाकिनी, यहाँ से अलकनंदा का संगम हो रहा है। और संगम इस दोनों का पानी देख सकते हैं। ये देखिए, दोनों का कलर मिक्स नहीं हो रहा है। ये देखिए, इसका पानी का कलर अलग, ये इनका पानी का अलग कलर अलग, दोनों मिक्स नहीं हो रहा है, अपनी अपनी तरह ही बहता जा रहा है। और अभी अपना अक्षर है नहाने वाला, ये भी नहाने वाला है। मैं तो कल शाम को ही नहा लिया, अभी मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा है, इसलिए मैं नहीं नहाने वाला हूँ। क्या बोला तूने? रुद्रप्रयाग से निकल के अभी हम लोगों को 4-5 किलोमीटर पूरा चढ़ाई मिलने और चढ़ाई मिला, बहुत भूख लगी। तो हम लोग रास्ते में एक क्रीम बम ले लिया, ये 5 वाला है। और गाइस, ये चढ़ाई देखो, हम लोगों का हालत ख़राब हो रहा है तो, और भूख भी बहुत लग रही है, तो ये कुछ खा लेते हैं। इससे तो भूख नहीं मिटेगा, लेकिन थोड़ा तो राहत मिलेगा, तो फटाफट से ये खा लेते हैं। एक नारा देवी का मंदिर पड़ता है, लेकिन हम लोग अंदर में जाकर दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पाठ लगा हुआ है, तो दर्शन करने के हम लोगों को पाप भी लगे, इसलिए हम लोग बाहर से आप लोगों का मंदिर का कुछ व्यू दिखा देंगे। और गाइस, पसीना देंगे, कितना हालत खराब हो रहा है। ये रहा वो मंदिर। गाइस, वो अलकनंदा से हम लोग आ चुके हैं धारा देवी का मंदिर, जो अलकनंदा नदी के बीच में है। वो देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है ना। और अब नदी का पानी बहुत बढ़ चुका है, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। यही रहा जो धारा देवी का माता का मंदिर। और गाइस, ये इस मंदिर में कहा जाता है कि जब चारों धामों का रक्षक, यही मंदिर है। इसी मंदिर से जो माता है धारा देवी माता, वही माता ने चारों धामों का रक्षा करते हैं। और एक झूलना जलंग दिखा, मस्त लग रहा है। और वो जो गांव दिख रहा है वो कलंगनी गांव है। तो गाइस, हम लोग तो अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूजा करने, अच्छा से सोमवार तक पूजा करने के लिए मना है, क्योंकि हमारे आसाम में बहुत मौका मिलता है। तो विकास भैया और सौरभ भैया और गए हैं अंदर। सो फाइनली गाइस, हम लोग वहाँ से धारा देवी, वहाँ से मंदिर से दर्शन करके अभी हम लोग पहुँच चुके हैं देहरादून नहीं, श्रीनगर। अभी यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, वहीं पे हम लोग लंगर चख लेंगे। और आज हम लोग ट्राई करेंगे देवप्रयाग के जाने के लिए, जो वहाँ अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन होता है ना, वहीं पर आज हम लोग जाने के लिए पूरा ट्राई करेंगे। और गाइस, यहाँ पर रास्ता बहुत ही हालत खराब है, बहुत चढ़ाई है, हालत ख़राब हो रहा है हम लोगों का। अभी देखते हैं, फिलहाल तो अभी थोड़ा ढलान मिले है, तो फटाफट से भगा लेते हैं और गुरुद्वार पे यहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। हमने श्रीनगर में गुरुद्वार में लंगर खा के अभी हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग के लिए। और भाई लोग तो पीछे कहीं पर पानी मिला, वो तो नहा रहे हैं। मैं तो इधर बहुत आगे आ चुका था, मैं आज नहाने वाला नहीं हूँ, मैं देवप्रयाग में नहाने वाला हूँ। अभी थोड़ा बहुत रेस्ट लेंगे, इससे दूसरे मिले बाद फिर से यहाँ से निकल जाएंगे। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। और यही ये नदी है अलकनंदा और भागीरथी, और यहीं पे भागीरथी अलकनंदा, ये भागीरथी है वो। गाइस सॉरी, मुझे इतना पता नहीं था। तो ये भागीरथी है, वो अलकनंदा, और इसी में संगम होता है। और इसी संगम में क्या नदी बन जाता है, गंगा नदी। हाँ, गंगा नदी। और आज हम लोग यहीं पे रुके, और जितना यहाँ पर साइकिल वगैरह रख दिया, अभी मैगी लाया है, मैगी बना के हम लोग खा लेंगे। और गाइस, यहाँ पर देख तो कितना मस्त लग रहा है, ये देखो पूरा साइड है। और गाइस, हम लोग 2 दिन में तो हरिद्वार पहुँच जाएंगे, और यहाँ से हरिद्वार तो 95 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर तो पहाड़ लगा है, तो 2 दिन में हम लोग पहुँच जाएंगे। और
अभी तो हम लोग मैगी वैगी बना के खा लेंगे। और मैं गाइस इस वीडियो को मैं ही प्लान कर रहा हूँ, और सुबह एक मस्त सा रील बना हुआ ये भागीरथी और अलग अलग का जहाँ सामने होता है वहाँ पर, तो आप लोग इंस्टाग्राम में चेक कर लो ना। तो इस वीडियो में यही प्लान कर रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।